मंदिरा बेदी ने अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद पहली बार इंटरव्यू में उनका जिक्र किया है और उन्होंने क्या बताया, चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। मंदिरा बेदी एक इंडियन एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर और टेलीविजन प्रेजेंटर है। इन्होंने शादी की थी ईयर 1999 में राज कुशाल से, जो खुद एक इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और ये एक्टिव थे उस टाइम 1990 से लेकर के मिड 2000 तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर 2021 में 30 जून को हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया था। और निधन के बाद पहली बार मंदिरा बेदी ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने उनके हस्बैंड का जिक्र किया है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं और मेरे चिल्ड्रन हर दिन उनके बारे में सोचते हैं, उनको भूलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो फर्स्ट ईयर था निधन के बाद वो बहुत 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 ही हार्ड था। द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग इज जस्ट इम्पॉसिबल टू डील विद, यानी कि जो उनका फर्स्ट बर्थडे था, फर्स्ट एनिवर्सरी थी, फर्स्ट दिवाली थी, फर्स्ट क्रिसमस था, फर्स्ट न्यू ईयर था, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड निकला। वहीं जो सेकंड था वो थोड़ा बहुत ईजी निकला, और थर्ड वन में आते आते उनको थोड़ी सी आदत हो गई। उन्होंने बताया कि मैं आज भी उनके लॉस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, लेकिन आज की तारीख में मैं इसके बारे में बात कर पाती हूँ। हालांकि मैं इमोशनल हो जाती हूँ उनके बारे में बात करते हुए, लेकिन फिर भी मैं बात कर पाती हूँ। और उनके जाने के बाद ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल भी टूट जाऊँ, क्योंकि टूट मैं सकती नहीं थी। मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना था, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना था, और मुझे मेरे चिल्ड्रंस को भी सपोर्ट करना था। इसीलिए उनके जाने के 2 महीने बाद मैं काम पर चली गई थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आज भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं। पिछले 6 सालों से उनकी कार मेरे पास है, मैं उसको यूज़ करती हूँ, लेकिन अब उसको बेचने का समय आ गया और उसको मैं बेच नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इमोशनल रीजंस की वजह से मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, और ये चीज़ अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो किशोर कुमार के म्यूज़िक आज भी नहीं सुन पाती, जब भी वो उनको सुनती हैं तो उनको उनके हस्बैंड की याद आती है। तो एक ऐसी चीज़ है जो वो आज भी नहीं करती, किशोर कुमार के गाने नहीं सुनती हैं। इस टाइप से उन्होंने इंटरव्यू में बताया था ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को, जो अभी उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू दिया है। आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना।